रेलवे देगा फ्री में खाना, टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा रिफंड। कोहरे की वजह से कई ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ठंड के मौसम में आप भी ट्रेवल करते हैं तो ये परेशानी होती होगी। अगर धुंध और कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो जाए तो यात्री के पास क्या ऑप्शन है? क्या वे अपना टिकट कैंसिल करा सकता है? उसे रिफंड मिलेगा या नहीं? कोहरे के कारण अगर मेरी ट्रेन लेट हो जाए, क्या रेलवे की तरफ से कोई स्पेशल फैसिलिटी मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल, रेलवे यात्री की सुविधा का ध्यान रखता है। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने पर यात्री को मिलेगी ये 5 सुविधाएं। ट्रेन देरी से चल रही है तो इसकी जानकारी यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। वेटिंग रूम में भी फ्री रुकने की सुविधा लेने के लिए यात्री को रिजर्वेशन टिकट दिखाना होगा। अगर राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेन या उससे ज़्यादा घंटे लेता है तो IRCTC की तरफ से खाना भी फ्री मिलेगा। ट्रेन लेट होने पर रेलवे स्टेशन पर खाने पीने के स्टॉल को देर रात तक खुला रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त स्टाफ और RPF की तैनाती की जाएगी। ट्रेन अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट है, स्टेप्स को फॉलो कर पा सकते हैं फुल रिफंड। अगर आपने काउंटर से टिकट कैश देकर लिया है तो कैंसिल कराने पर तुरंत कैश मिल जाएगा। अगर काउंटर से टिकट डिजिटली पेमेंट जैसे UPI से की है तो इसका रिटर्न उन्हें ऑनलाइन ही मिलेगा। रिफंड के लिए आपको टिकट ऑनलाइन ही कैंसिल करना होगा। इसके बाद डिपॉजिट रिसीव फॉर्म ऑनलाइन भरकर आप अपना रिफंड ले सकते हैं। याद रखें, किसी पर्सनल रीजन से टिकट कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। इसके अलावा ट्रेन छूटने पर आप अपना पूरा पैसा रिफंड भी कर सकते हैं। स्टेशन से ट्रेन निकलने के 1 घंटे के अंदर आप TDR फाइल कर सकते हैं, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। रिफंड मिलने में 60 दिन तक का समय लग सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आजकल न्यूज़। नमस्कार।